एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विथ रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। तो फिर आइए देख लेते हैं कैसे बनते हैं गुलाब जामुन। पर 3 टेबलस्पून सूजी ली है, इसमें 1/4 कप दूध डालकर इसका एक घोल बनाकर इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, जिससे कि ये सूजी फूल जाएगी। इस तरीके से घोल बनाकर इसको हम छोड़ देंगे। अब हम गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप चीनी ली है और इसमें हम 2 कप पानी डाल करके चाशनी तैयार कर लेंगे। एक तार की चाशनी बनानी है हमें रसगुल्ले बनाने के लिए। बस चाशनी को हम फिंगर से चेक कर लेंगे, आपस में ये हल्की सी चिपकने लगेंगी, तो समझ लीजिए कि चाशनी हमारी बनकर के तैयार है। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम मावा लिया है, इसको हाथों से मसल लेंगे हल्का सा। और मैंने जो सूजी रखी थी फूलने के लिए, वो हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब वो सूजी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैदा ली है, मैदे को भी मिला देंगे हम मावा में। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम एक डो तैयार कर लेंगे रसगुल्ले बनाने के लिए। हमारा तैयार हो चुका है। अब हम रसगुल्ले बनाने के लिए गोली बना लेंगे। गोली आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं। जिस शेप का आपको रसगुल्ला चाहिए उसी हिसाब से आप गोली बना सकते हैं। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कुछ काजू, कुछ बादाम, कुछ पिस्ता थे जिनको बारीक कट कर लिया है। बस इस तरीके से एक गोली बनाएंगे और इसमें एक होल कर देंगे हम। और इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे वो रख देंगे थोड़े से। आप ड्राई फ्रूट्स की जगह किशमिश या फिर इलायची या फिर चीनी भी रख सकते हैं। इस तरीके से इसको बंद करके और इसकी एक हम गोली तैयार कर लेंगे। और इसी तरीके से बाकी बचे हुए जो हमारा मावा है उसकी भी हम गोलियां तैयार कर लेंगे। चाशनी भी हमारी बन चुकी है, बनकर के बिल्कुल तैयार है चाशनी हमारी। अब हम कढ़ाई रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, कढ़ाई में डाल दिया है, इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब जो मैंने रसगुल्ले बनाने के लिए गोलियां तैयार की थी वो हम डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पे ही हम इनको पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे रसगुल्लों को। बाकी बच्चे हुए जो हमारे रसगुल्ले हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। और जो हमारी चाशनी है उसमें हम ये फ्राई किए हुए रसगुल्ले डाल देंगे और ढक करके हम इनको रख देंगे। रसगुल्ले हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और बाकी बचे हुए जो हमारे रसगुल्ले हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। और जो मैंने फ्राई किए हुए रसगुल्ले हैं उनको हम चाशनी में डाल देंगे और ढक करके हम इनको छोड़ देंगे। और इसी तरीके से मैंने अपने सारे रसगुल्ले फ्राई करके चाशनी में डाल दिए थे। अब इनको हम 4 से 5 घंटे के लिए इसी तरीके से चाशनी में छोड़ देंगे, जिससे कि इसमें चाशनी अच्छे से भर जाएगी।
तभी इनको हम खाएंगे। इसी तरीके से हम ढक करके इनको छोड़ देंगे। 5 घंटे हो चुके हैं, रसगुल्ले हमारे अच्छी तरीके से फूल चुके हैं और रसगुल्ले हमारे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया रसगुल्ले बनकर के तैयार हुए हैं। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।